नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ तिल गुड़ के हेल्दी लड्डू, बिल्कुल आयरन और कैल्शियम से भरपूर। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में तो ये खाना बनता है। यदि सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू नहीं खाया तो क्या खाया। सर्दी ही ऐसा मौसम है कि जिसमें आप अपनी हड्डियाँ वगैरह मजबूत कर सकते हैं, और ये 2-3 महीने ही तिल खाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, देखने में बहुत ही सुंदर होगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पर मैंने एक लड्डू लिया है और इसे तोड़ करके दिखाते हैं आपको किस तरह से ये बिल्कुल खस्ती सी बने करके तैयार होगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल खस्ता सा लड्डू बनकर के तैयार होगा और आप इस तरह से बहुत इंजॉय कर पाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं बनाने के लिए, क्या क्या लेना है और कैसे बनाते हैं। लो भाई, अब आ गया सर्दी का मौसम, तो अब तिल और गुड़ दोनों गर्म होते हैं और विटामिन से भरपूर होते हैं, कैल्शियम आयरन सभी कुछ मिल जाता है। तो इसलिए आज बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तिल के पैकेट हैं, 250 ग्राम के दो पैकेट हैं, 500 ग्राम तिल हैं, और ये सफ़ेद वाली तिल है। तिल कई तरह के, 2-3 तरह के तिल आते हैं। एक काली तिल आती है और एक और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, थोड़ा सा ग्रे टाइप में होता है, और ये सफ़ेद वाली का ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। तो यहाँ पर गुड़ भी लिया है। तिल को भून लेंगे पहले। गुड़ भी मैंने लिया है, 500 ग्राम गुड़ लिया है। आप इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 20-30 ग्राम थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम तिल को भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है। ऐसे तिल को भूनने के लिए भारी कढ़ाई का यूज कीजिएगा तो आपका अच्छे से भुनेगा। और मैंने इसमें तिल डाल दिया है और जो दूसरा पैकेट है वो भी तिल डाल देंगे। ये लीजिए, दूसरा पैकेट भी गया। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही रख करके इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे तो इस बहुत ही अच्छी तरह से भून जाएंगे। जब ये भूनेंगे ना तो फूल जाएंगे थोड़े थोड़े से, और इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में, और ये सर्दियों में ही खाई जाती है। ये 3 महीना ही खाई जाती है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही अच्छे से खा सकते हैं। तो क्योंकि ये गर्म भी होता है ना, तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है। हड्डियाँ वगैरह जो मजबूत हो जाती है इससे, कैल्शियम वगैरह से, जिनको जोड़ों का दर्द वगैरह होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये तिल गुड़ के लड्डू। और इसे बड़े बच्चे सभी बहुत पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से इसे भून लेंगे। ये देखिए मीडियम आंच पे ही हम भूने जा रहे हैं इसे, और बिल्कुल लगातार चला रहे हैं। यदि तेज फ्लेम पे भूनेंगे तो क्या होगा कि इसमें कड़वाहट आ जाएगा और कलर भी इसका खराब हो जाएगा और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। और यदि हम लो फ्लेम पे जैसे भून रहे हैं इस तरह से भूनेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इसको ज़्यादा दिन तक रख पाएंगे। सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है जब अच्छे से भून जाता है ये, क्योंकि एक समान भूनेगा मीडियम आंच पे। जब हम चला चला के अच्छी तरह से भूनते रहेंगे तो बिल्कुल एक समान सारे दाने भून जाएंगे और फूले फूले से बिल्कुल हो जाएंगे तिल। देखिए लगभग भूनना शुरू हो गया है हमारा, थोड़ा सा और भून लेंगे 1 मिनट के करीब। देखिए हमारे जो तिल हैं बिल्कुल दाना दाना सब फूल गए हैं, बहुत एक समान भून करके तैयार हो गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इस तिल को किसी दूसरे बर्तन में उतार लेंगे, क्योंकि इसी बर्तन में रखेंगे तो कढ़ाई मोटी है और गर्म भी काफी है। ये देखिए मैंने ले लिया है दूसरी कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई है। इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। सबसे पहले घी डालने से हमारे जो लड्डू होते हैं थोड़े से अच्छे बनते हैं, शाइनी बनते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और मैंने जो 500 ग्राम गुड़ लिया था इसे तोड़ लिया है। आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जल्दी से पिघल जाएगा ये और कम समय लगेगा। अब यहाँ पर डाल देंगे 2 छोटे चम्मच पानी, इससे जल्दी से पिघल जाएगा पानी डालने से गुड़। अब यहाँ पे धीरे धीरे से चलाते रहेंगे इसे ताकि गुड़ चिपके नहीं। ये देखिए हमारे गुड़ मेल्ट होने लग गए हैं, अब बहुत ही जल्दी पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ गुड़ को। ये देखिए धीरे धीरे से गुड़ बिल्कुल गलने लग गया है, बिल्कुल बहुत हल्का सा रह गया है और बहुत ही अच्छी परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होंगी, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। कई बार हम बनाते हैं घर में तो
कई बार दांतों में चिपकने लग जाते हैं। चाशनी अच्छी तरह नहीं बनने की वजह से ये सब होता है। यदि परफेक्ट चाशनी बनकर के तैयार होगी गुड़ वाली, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो देखिए हमारे गुड़ में झाग आने लग गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि गुड़ पका है या नहीं पका है। कैसे पता चलेगा आपको कि गुड़ जितना हमें पकाना है पक करके तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं एक बाउल में इस तरह से पानी ले लूंगी और इस तरह से कुछ बूंद इसमें डाल दूंगी और कुछ सेकेंड के लिए छोड़ देंगे इसे। और देखिए यहाँ पर हाथों से इस तरह से कर रहे हैं तो ये इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये, तो इसको थोड़ा सा भी और पका लेंगे। देखिए 1 मिनट के करीब मैंने और पका लिया है। देखिए इस टाइम गुड़ की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब थोड़ा सा देखिए कैसे झाग सा हो गया, फूल गया है ये। अब इस टाइम मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, देखिए 1-2 ड्रॉप, और इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इकट्ठे से हो रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल इसका जैसे बनाते हैं ना चिक्की, तो उसमें क्रिस्टल हो जाता है, उस तरह से हमें नहीं बनाना है। यदि उस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, तो इस तरह से होना चाहिए कि देखिए इस तरह से निकाले तो इस तरह से हो जाए। तो और इससे ज़्यादा ढीला रहेगा तो जब खाएंगे तो मुँह में चिपकेगा। तो यहाँ पर मैं करूँगी एक हलवाइयों वाला काम बहुत ही अच्छा, जिससे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हलवाई की तरह बन करके तैयार होगा हमारा तिल गुड़ की लड्डू। ये देखिए आधी छोटी बिल्कुल 1/4 चम्मच है ये खाना सोडा, तो इसे डाल देंगे, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया है और इसे चला देंगे अच्छी तरह से। हलवाई वगैरह इस तरह से डालते हैं, यदि आपको पसंद नहीं है ये चीज़ तो नहीं डालिएगा। और देखिए इससे थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। मैंने फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर दिया है, ये देखिए इसका बिल्कुल टेक्स्चर चेंज हो गया, देखिए बदल गया। तो हलवाई वगैरह इसी तरह से बनाते हैं, ये देखिए। और इसे होता क्या है, खाने वाला सोडा डालने से बिल्कुल हल्की हो जाती है जो हमारे लड्डू बनेंगे तिल गुड़ के, बिल्कुल हल्की सी बनेगी और खाने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए इसी समय मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दूंगी तिल, और फ्लेम को बिल्कुल सिम पे ही रखा है मैंने। इसे धीरे धीरे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब यहां पर मैं ये देखिए मैंने इस थाली में भी ग्रीस कर लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा निकाल के इस तरह से रख देंगे, क्योंकि अभी काफी गर्म है और ये थोड़े से ठंडे होंगे ना फिर जल्दी से जमने लग जाते हैं, तो हमें लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से रख देंगे, जिस तरह से लड्डू बनाना है जिस आकार का उसी हिसाब से, और फिर जल्दी जल्दी से गोल करके बना लेंगे। इसी तरह से सभी का कर लेंगे, इस तरह से चम्मच से निकालेंगे तो आसानी से निकलता चला जाएगा। मैंने पहले घी लगा दिया था, फिर से बीच में जब चिपकने लग जाए तो हल्का सा फिर से घी लगा देंगे तो नहीं चिपकेगा। ये देखिए यहाँ पर रखने से अच्छा ये होता है कि इस तरह से उठाया और इस तरह से गोल गोल कर दिया थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे करके, और बहुत ही आसानी से होता जाता है। और इतने जब गरम गरम कढ़ाई से ये करते हैं निकाल करके गोला बनाते हैं तो हाथ जलने का डर रहता है, इस तरह से हाथ भी नहीं जलेंगे, थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन आप ये ठंडी कितना है इस हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपका ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बन नहीं पाएंगे, फिर ये बिखर बिखर से जाएंगे। तो देखिए इस तरह से लड्डू बिल्कुल चिकनी सी लड्डू बन जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारी लड्डू को बना लूंगी। चीज और एक डिजाइन बना सकते हैं इस तरह से, आप नारियल का या कोई भी ड्राई फ्रूट का लेना हो तो इस तरह से जब हम गोला बनाते हैं तो इसी तरफ से गर्म हल्का है उसी समय से आप इसमें दबा करके इस तरह से बना देंगे तो बन करके बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से बन करके तैयार हो जाएंगे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, ये देखिए। तो इसी तरह से चाहें तो कुछ आप डिजाइन भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं प्लेन भी।
ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए नॉन स्टिक में चाशनी बनाने से ये हुआ कि पूरा ही बिल्कुल ये हो गया और किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, सब मैंने अकेले ही बना लिया। जिस तरह से, जिस ट्रिक से मैंने बोला बनाने के लिए, उस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है घर में कोई होते नहीं है तो हमें मुश्किल हो जाती है कि किसे बोले कैसे बनाएं। और इसे साफ करने के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसमें गर्म पानी डालिए या फिर चूल्हे पर रख दीजिए पानी डाल करके, और थोड़ा सा चारों तरफ से हिलाएंगे तो सारा साफ हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने जो लगा दिया है तो इस तरह से दिख रहा है, और ये निकलेंगे नहीं क्योंकि ये चिपक गए हैं अच्छे से। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये नहीं पसंद है तो आप बिना इसके नारियल के भी बना सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिस ट्रिक से मैंने बनाया है उस ट्रिक से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू घर पर बनकर के तैयार होंगे, और घर पे बनाएंगे तो बहुत सस्ते में बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।